बॉलीवुड के प्रोड्यूसर करण जौहर पर कई बार ये आरोप लग चुका है कि उन्होंने कुछ एक्टर्स के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। इसी कड़ी में अनुष्का शर्मा को लेकर भी एक खबर सामने आई है कि करण जौहर उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने शुरुआती दौर में अनुष्का शर्मा के करियर को तबाह करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। दरअसल फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के लिए आदित्य चोपड़ा को एक्ट्रेस की तलाश थी। उस वक्त करण जौहर ने आदित्य को अनुष्का को साइन करने से मना कर दिया था। करण चाहते थे कि फिल्म में शाहरुख खान के साथ सोनम कपूर काम करे। हालांकि जब उन्होंने अनुष्का शर्मा को बैंड बाजा बारात में देखा तो खूब इम्प्रेस हुए और एक्ट्रेस से माफी मांगने के बारे में भी सोचने लगे। बाद में फिल्म रब ने बना दी जोड़ी को भी लोगों ने दिल खोलकर प्यार दिया और ये सुपरहिट साबित हुई। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर मल्टी टैलेंटेड है। वह न केवल एक बेहतरीन एक्टर है बल्कि लेखक, डायरेक्टर और सिंगर भी हैं। फरहान अपने नए नए टैलेंट से फैंस के होश उड़ा देते हैं। फरहान अख्तर का अपना लाइव बैंड भी है जिसके जरिए वे दुनिया भर में म्यूजिक कॉन्सर्ट करते हैं। एक्टर जल्द ही मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइव कॉन्सर्ट करने वाले थे जिसके लिए बेहद ही शानदार सेट बनवाया गया था, लेकिन फरहान अख्तर के लाइव कॉन्सर्ट के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल तेज आंधी और तूफान में कॉन्सर्ट का सेट गिर गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ये दृश्य काफी खतरनाक लग रहा है, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की भी जान को नुकसान नहीं पहुंचा। वर्क फ्रंट की बात करें तो फरहान अख्तर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जीरे जरा को लेकर सुर्खियों में है। शाहरुख अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हुई थी जिसे लोगों ने दिल खोलकर प्यार किया। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि सभी लोगों के होश उड़ गए। शाहरुख खान ने कई बार मीडिया के सामने अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बात की थी। किंग खान ने अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में भी बताया है। जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद वो दिल्ली छोड़कर मुंबई चले गए और वहां वो एक्टिंग की दुनिया में बिजी हो गए। हालांकि इन सभी बातों के बीच वो ये भूल गए कि उन्हें कॉलेज से डिग्री भी लेनी है। बाद में साल 2016 में शाहरुख खान की फिल्म फैन का प्रमोशन करने के लिए दिल्ली गए थे, उस वक्त उन्हें उनकी डिग्री मिली थी। इसके बाद शाहरुख खान ने डिग्री के साथ तस्वीरें भी क्लिक कराई थी और जो कि इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री अमीषा पटेल इन दिनों चर्चा में हैं। इन दिनों वह फिल्म गदर 2 की शूटिंग कर रही हैं। लेकिन इसी बीच अमीषा पटेल का एक पुराना विवाद सुर्खियों में आ गया है। अमीषा के खिलाफ 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है और इस केस में अब अमीषा पटेल और ज्यादा फंस गई हैं। रांची की एक कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ वारंट इशू किया है, साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। दरअसल दावा किया गया है कि अमीषा पटेल के खिलाफ 2.5 करोड़ के चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले पर रांची के सिविल कोर्ट ने सुनवाई की थी, लेकिन इस दौरान अमीषा और उनके वकील तारीख पर नहीं पहुंचे। इसी वजह से कोर्ट ने अमीषा पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक वारंट जारी किया है और एक्ट्रेस को अगली सुनवाई पर पेश होने की बात कही है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। बॉलीवुड के फिल्म मेकर करण जौहर का 7 साल पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसकी वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। इस क्लिप में करण जौहर ने अनुष्का शर्मा को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। करण जौहर ने बताया था कि वो शुरुआत में अनुष्का शर्मा का करियर बर्बाद करना चाहते थे। करण जौहर के इसी वीडियो पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिएक्ट किया है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने करण जौहर और अनुष्का शर्मा के इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, इस चाचा चौधरी को बस यही एक काम आता है। इससे पहले जब प्रियंका चोपड़ा ने ये खुलासा किया था कि उन्हें बॉलीवुड में साइडलाइन किया गया था, इस विषय पर भी कंगना रनौत ने कमेंट करते हुए प्रियंका को सपोर्ट किया था। कंगना रनौत हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। कंगना इससे पहले भी कई बार करण जौहर को निशाने पर ले चुकी हैं। कंगना ने करण जौहर को मूवी माफिया तक कह दिया था। शाहरुख खान की खुशी इन दिनों 7वें आसमान पर है। 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटने के बाद जहां उनकी फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है, तो वहीं उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने दूसरे ही मैच में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक बड़े स्कोर से मात दे दी है। अपनी टीम के मैच जीतने के बाद किंग खान खुशी से फूले नहीं समाए। उनका एक वीडियो हाल ही में खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह स्टेडियम के बीचों बीच क्रिकेटर को झूमे जो पठान के स्टेप्स सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने क्रिकेट की दुनिया के किंग
विराट कोहली को भी अपनी सुपरहिट फिल्म पठान के लोकप्रिय गाने पर बीच स्टेडियम में पठान के कुछ स्टेप्स सिखाए। शाहरुख खान का ये वीडियो उनके साथ मस्ती करते हुए और उन्हें स्टेप्स करने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों किंग्स को साथ में देखकर फैंस भी खुशी से झूम उठे हैं। फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मेरी चोपड़ा जोनस के साथ मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंची हैं। उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है। इसमें इन दोनों के अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ आए कई लोग भी नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस की गोदी में मालती को देखा जा सकता है। हाल ही में प्रियंका नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी, जिसके बाद अब प्रियंका चोपड़ा को बेटी के साथ सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करते हुए देखा गया। उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी को गोद में उठाए पूजा करती नजर आ रही हैं, तो वहीं मंदिर के पुजारी उनके सिर पर टीका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर मालती भी काफी शांत नजर आ रही हैं। सिद्धू मूसेवाला का नया गाना रिलीज हो गया है। ट्रैक का टाइटल मेरे ना है। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी इंडस्ट्री के बड़े नामों में शरीक होते थे। हत्या के पहले उन्होंने कई गाने रिकॉर्ड किए थे जो अब रिलीज हो रहे हैं। मूसेवाला भले ही आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाने उनकी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। इन सबके बीच दिवंगत मूसेवाला का एक और नया गाना मेरे ना 7 अप्रैल यानी कि आज रिलीज हो गया है। लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। वीडियो में सिद्धू की कुछ पुरानी वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं कुछ जगहों पर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए लिप सिंक भी कराया गया है। सिद्धू के नए गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। निधन के बाद रिलीज हुआ ये उनका 3रा गाना है। इससे पहले भी उनके 2 और गाने रिलीज हो चुके हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारी से पहचान बनाने वाली सेलिना जेटली पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे की दुनिया से दूर हैं। अब पहले की तरह उनकी बैक टू बैक फिल्में नहीं आती। फैंस को भले ही सिल्वर स्क्रीन पर एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वे उनसे जुड़ी रहती हैं। सेलिना जेटली शादीशुदा हैं, पर हाल ही में एक फैन ने उन्हें सोशल मीडिया पर शादी का प्रपोजल दिया है। विजय वोरा नाम के यूजर ने ट्वीट कर सेलिना से शादी के लिए पूछा, जिसके ट्वीट पर सेलिना जेटली ने जो जवाब दिया उसे सुन यूजर्स की हंसी छूट गई है। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं अपने पति और 3 बच्चों से पूछकर आपको जवाब दूंगी। एक्ट्रेस के इस रिप्लाई पर उनके फैंस लिस्ट में शामिल हुए लोगों की हंसी छूट गई है। सेलिना के वर्क फ्रेंड की बात करें तो एक्ट्रेस सेलिना जेटली की आखिरी फिल्म 2020 में आई सीजन्स ग्रीटिंग्स अ ट्रिब्यूट टू रितु पर्णो घोष थी। नीरज पांडे की अपकमिंग फिल्म औरों में कहां दम था को लेकर फैंस का बज हाई है। इस मूवी में एक बार फिर अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। वहीं अब इससे 2 और सितारों के नाम जुड़ने की खबर सामने आ रही है। फिल्म से सई एम मांजरेकर और शांतनु माहेश्वरी का नाम जुड़ा है। इस रिपोर्ट ने फैंस के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि नीरज पांडे ने औरों में कहां दम था के साथ एक और सिनेमाई मास्टरपीस देने का वादा किया है। नीरज ने इससे 5 साल पहले फिल्म अय्यारी डायरेक्ट की थी। वहीं औरों में कहां दम था को लेकर जानकारी है कि इसे दुनिया भर के कुछ विदेशी स्थानों में बड़े पैमाने पर फिल्माया जाना है। पहले के सूत्रों ने दावा किया है कि फिल्म 20 वर्षों की अवधि में फैली एक संगीत यात्रा है और 2002 और 2023 के बीच सेट की गई है। फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक एमएम किरावनी के जरिए तैयार किया जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।